దేశంలోనే మొట్టమొదటి చోదక రహిత మెట్రో రైలును ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. లేకిన్ కుచ్ దశక్ పహలే సే శహరీకరణ అర్బనైజేషన్ కా అసర్ ఔర్ అర్బనైజేషన్ కా భవిష్య దోనో హీ బిల్కుల్ సాఫ్ థా. ఉస్ సమయ ఏక్ అలగ్ హీ రవయ్యా దేశ్ నే దేఖా. భవిష్య కీ జరూరతో కో లేకర్ ఉత్నా ధ్యాన్ నహీ థా. आधे अधूरे मन से काम होता था. भ्रम की स्थिति बनी रहती थी. उस समय तेजी से शहरीकरण हो रहा है लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तैयार नहीं किया गया. परिणाम यह हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और पूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ गया. साथियों, इस सोच से अलग आधुनिक सोच ये कहती है शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए. एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं. एक ऐसा अवसर जिसमें हम ईज ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं. सोच का ये अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है. देश में मेट्रो रेल का निर्माण भी इसका एक उदाहरण है. दिल्ली में ही मेट्रो की चर्चा बरसों तक चली लेकिन पहली मेट्रो चली अटल जी के प्रयासों से. यहां तो मेट्रो सर्विस के इतने एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो भी इसे भली भांति जानते हैं कि मेट्रो निर्माण की क्या स्थिति थी. साथियों, साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी. आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है. वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं. साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन थी. आज ये करीब 3 गुनी यानी 700 किलोमीटर से ज्यादा है. वर्ष 2025 तक हम इसका विस्तार 1700 किलोमीटर तक करने का प्रयास कर रहे हैं. साल 2014 में मेट्रो पर सवारी करने वालों की संख्या 17 लाख प्रतिदिन थी. अब यह संख्या 5 गुना बढ़ गई है. अब 85 लाख लोग मेट्रो से सवारी करते हैं. याद रखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों के जीवन में आ रही ईज ऑफ लिविंग के प्रमाण है. ये सिर्फ ईंट पत्थर कंक्रीट और लोहे से बने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि ये देश के नागरिकों देश के मिडिल क्लास की आकांक्षा पूरा होने के साक्ष्य है. साथियों, आखिर ये परिवर्तन ये बदलाव आया कैसे? ब्यूरोक्रेसी वही है, लोग वही हैं, फिर कैसे इतना तेज काम हुआ? इसकी वजह यही रही कि हमने शहरीकरण को चुनौती नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखा. हमारे देश में पहले कभी मेट्रो को लेकर कोई नीति ही नहीं थी. कोई नेता कहीं वायदा कराता था, कोई सरकार किसी को संतुष्ट करने के लिए मेट्रो का ऐलान कर देती थी. हमारी सरकार ने इस एडहोकिज्म से बाहर आकर के मेट्रो के संबंध में पॉलिसी भी बनाई और उसे चौतरफा रणनीति के साथ लागू भी किया.
हमने जोर दिया स्थानीय मांग के हिसाब से काम करने पर, हमने जोर दिया स्थानीय मानकों को बढ़ावा देने पर, हमने जोर दिया मेक इन इंडिया के ज्यादा से ज्यादा विस्तार पर, हमने जोर दिया आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग पर। साथियों, आप में से अधिकांश लोग ये जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों की अलग अलग आवश्यकताएं, अलग अलग आकांक्षाएं और अलग अलग चुनौतियां होती हैं।